जय हिंद मैडम। मैडम ये पैकेट सर को देना, कॉन्फिडेंशियल, वो भी ऑन द वे। ओके थैंक्स। ठीक है मैडम, जय हिंद। हाँ मैं काफ़ी रो रही हूँ क्योंकि मैं नील को समझाने की कोशिश करती हूँ जो कि नील कुछ नहीं पा रहे, और एनवेलोप पता है नील के लिए आता है, सो वही मैं उन्हें देती हूँ। अच्छा, इल्ज़ाम लग रहा है किसी को आपने छुपा दिया है या भगा दिया है? देखो, इल्ज़ाम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किया है, तो मुझे मैंने जो नील मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अली के बारे में लगा रहे हैं कि मैंने उन्हें भगा दिया है, जो कि मैंने नहीं किया है, वही मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट उन्हें लगता है कि मैंने ही किया है क्योंकि अली मेरा दोस्त है, तो मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर। बातचीत होती है, बहुत झगड़े हो रहे हैं भाई। मतलब प्यार और दोस्ती के बीच में आप सैंडविच बन रही हैं? जी हाँ। इसकी साइड लेने वाली है, इफ इन केस पता चल गया कि थोड़ा सा हाथ आपका भी है आगे चल के? वो तो अवनी ऐसा नहीं करेगी ये अली को भगाने का काम, क्योंकि अगर अली गलत है तो अवनी उसको सज़ा दिलवाएगी क्योंकि उसने गलत किया है, चाहे वो दोस्त ही हो। बट अवनी को भरोसा है कि अली कभी ऐसा करेगा नहीं। सो आगे चल के अगर क्या होता है वो तो आपको देख के पता चलेगा जब आप देखेंगे नामकरण ऑन स्टार प्लस एट 9 PM। थैंक यू सो मच। वेलकम।